हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। नाम मेरा सुरेश कुमार प्रजापति और मैं मोटिवेशनल स्पीकर। और आज हम लेके आए हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और कुछ लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, क्या क्या बोलते रहते हैं, तो वो सभी आज डाउट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह मेंबर बनाने वाला और जोड़ने वाला बिजनेस है, कोई कहता है कि यह चैन बनाने वाला बिजनेस है, और कोई कहता है ये स्कीम है, कोई कहता है फंड है, स्कैम है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लूटने वाला बिजनेस है, कुछ कहता है कि कोई बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस है। एक्चुअली हमारे देश में इतने लोग पढ़े लिखे हैं और इतने लोग एजुकेटेड हैं जो कि हर किसी को सलाह देने का फ्री में यहाँ पे एडवाइस दी जाती है, सपोज़ दैट अगर जिस प्रोफेशनल के बारे में आप जानते ही नहीं है तो उसके बारे में आप बता क्या सकते हो। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो अगर आप इंजीनियर के पास जा रहे हैं तो आप कैसे डॉक्टर बन सकते हो? कहीं ना कहीं आपको इंजीनियर के पास ही, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा तो आप डॉक्टर बन सकते हो। सपोज़ दैट आप वकील बनना चाहते हैं और आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो आपको वकील से मिलना पड़ेगा क्योंकि वही उसी फील्ड के बारे में जानता है। वही चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है क्योंकि जब तक लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते ही नहीं है, बस सिर्फ लोगों को लगता है कि मेंबर बनाने का काम है, चैन बनाने का काम है और यहाँ पे सिर्फ लूटने का काम है। और लोग जॉब को कहते हैं कि है ना भाई, बहुत अच्छी खासी आप जॉब कर रहे थे, क्या आजकल आपने धंधा ले लिया है कि हल्दी तेल मिर्च धनिया बेचने का धंधा ले लिया? डायरेक्ट सेलिंग को लोग धंधा बताते हैं जबकि रियलिटी में उनको पता ही नहीं कि जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप खुद के यहाँ पे अपने मालिक हो, आपका कोई यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है कि आपको इतने घंटे काम करना है, कोई यहाँ पे आपके ऊपर बॉस नहीं है और अच्छे एजुकेटेड लोग यहाँ पे। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग एक इतिहास है कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर आपको कोई भी 2.5 लाख 3 लाख रुपए से पैकेज से ऊपर का कोई भी बंदा, ऐसे कोई भी इंडस्ट्री बता दो मेरे को जॉब में, गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो आपकी अगर नज़र में, जो 1 करोड़ रुपए की इनकम जहाँ पे होती हो। बट डायरेक्ट सेलिंग में आज बहुत सारे उदाहरण हैं जो 1 करोड़ रुपए पर मंथ कमाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा समुंदर है जहाँ से आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ से कितना भी आप कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है यहाँ पे आप एक बहुत बड़ी टीम बनाना और बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल आर्थिक आज़ादी और एक समय की आज़ादी यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है और एक सबसे बड़ा यहाँ पे एक मान सम्मान बहुत बड़ा ज़्यादा दिया जाता है जबकि और किसी फील्ड में यह सम्मान आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, बहुत बड़ा है। और ज़रा कोई समझा सकता है कि कौन सा ऐसा काम है कि जो बिना टीम बनाए होता हो या कोई बिना बिजनेस कर सकता हो? कौन सा ऐसा ओपन चैलेंज करता हूँ कि कोई भी मेरे को बता दे कि जिस काम में चैन ना हो, जिस काम में टीम वर्क ना हो, बिना टीम वर्क के कोई भी बड़ा नहीं बना आज तक। जितने भी टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गया, अडानी, इन जितने भी सभी बिजनेसमैन हैं उन सभी ने यहाँ पे एक बहुत बड़े टीम का कार्य किया है। और आज अमीर लोग, जितने भी अमीर लोग अमीरी की श्रेणी में आते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा टीम बना के वर्क करते हैं। दूसरा मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूँगा कि आपको भी पता है कि जब जिस टाइम जियो स्टार्ट हुई थी तो कुछ लोग कहते थे कि ये बहुत जल्दी भाग जाएगा, 2 महीने 4 महीने में भाग जाएगा, बट उसने 6 मंथ या एक साल का यहाँ पे फ्री वाउचर देके जियो का लोगों को सिर्फ लत लगाई थी और 33 करोड़ लोगों का नेटवर्क अपनी तरफ कर लिया था। और अब क्या जियो फ्री में सिम बांटती है? क्या जियो फ्री में रिचार्ज देती है? नहीं देती, बट यहाँ पे लोगों को खुद रिचार्ज करवाना पड़ता। अगर 33 करोड़ लोग, अगर 1 रुपये भी पर बंदे से जाता है तो कहीं ना कहीं अंबानी के घर 33 करोड़ रुपए की इनकम पर मंथ होती है। क्या अंबानी रहे या ना रहे, बट क्या उसके बच्चों को प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, बट हमारी फैमिली में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हम मोस्टली 8 घंटे की जॉब करते हैं या कहीं पर 8 घंटे का काम करते हैं या कोई अपना सेल्फ का कोई 8 घंटे सब्जी का काम करते हैं, बट हम कभी भी पैसिव इनकम की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं। तो यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग और इसके बारे में आपको बहुत ही तसल्ली से समझना होगा और नहीं कह सकते कि यह बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक इनकम का सोर्स बनाया जा सकता है और एक बहुत बड़े लेवल पे लोगों को बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सकता है। दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि बिजनेस की लोगों की समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में नहीं आता तो कैसे वो नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान नहीं है, सिर्फ अधूरा ज्ञान कई बार दुख देता है।
तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा यहीं तक था। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, वीडियो को अच्छा लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।